Hello and welcome friends, my name is Suraj Kumar Tiwari and you are watching Computer and Excel Solution channel. Friends, if you want to make this type of program, I see you how we can run this program. Go to the Chrome browser and click here, then you can see this was an amazing program. बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है ये और इस तरह के वीडियोस आपको कम ही मिलेंगे YouTube पर. तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का अगर एनिमेशन हमें टेक्स्ट का बनाना हो तो कैसे हम बना सकते हैं, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इसके लिए क्या कोड हम इस्तेमाल कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम न्यू पेज ले लेते हैं, ठीक है. और न्यू पेज लेने के बाद हमें क्या करना है, देखिए न्यू पेज लेने के बाद हमें यहाँ कोडिंग करनी है और वो कोडिंग स्टार्ट करने वाला हूँ मैं. तो चलिए कोडिंग को स्टार्ट करते हैं. यहाँ लिखता हूँ HTML, यहाँ पर हेड लिख देता हूँ, ठीक है. यहाँ पे टाइटल टेक्स्ट एनिमेशन, ठीक है. क्लोज करूँगा और यहाँ हेड को क्लोज करूँगा, ठीक है. अब हमें क्या करना है, देखिए हमने यहां तक काम कर लिया है. अब हमें जो काम करना है ना वो है मेन, हमारा काम यहीं से स्टार्ट होता है. यहां लगाता हूं मैं बॉडी और यहां जो भी कलर हम लगाना चाहते हूं, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां ग्रीन लगाना चाहता हूं तो यहां ग्रीन लगा सकता हूं. मैं यहां पे अभी पिंक लगाना चाहता हूं या रेड लगाना चाहता हूं तो वीजी कलर इज इक्वल टू रेड कर देता हूं. आप कोड भी लिख सकते हैं, आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं. कोड भी लिख सकते हैं और नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है. अब यहां पर मैं लगाऊंगा फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाइट कर दूंगा मैं, WHITE, ठीक है. ये व्हाइट कर दिया हमने. और यहां पर मैं क्या लिखूंगा, फॉन्ट कलर इज इक्वल टू व्हाइट. और यहां पर साइज को भी मेंशन कर देता हूं मैं, साइज इज इक्वल टू 90, ठीक है. ये दे दिया हमने. अब क्या करना है, अब यहां पर जो है मार्क्यू टैग लगा देंगे हम, MARQUEE, ठीक है. मार्क्यू लगा दिया और यहां पर डायरेक्शन दे देंगे, DIRECTION, मार्क्यू डायरेक्शन इज इक्वल टू जो भी हमें डायरेक्शन देना है. जैसे मान लीजिए कि मैं देता हूं राइट, RIGST राइट, ठीक है. ये दे दिया हमने और इसके बाद हम इसको क्लोज कर सकते हैं यहां से. ये क्लोज कर दिया हमने, ठीक है. और यहां पर कुछ लिखना होगा तभी तो वो मूव करेगा. तो यहां पे मैं लिखता हूं प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ठीक है. इसको मैंने कर दिया यहां से क्लोज, ठीक है. ये देखिए यहां से क्लोज करूंगा. यहां पर देखिए मार्क्यू लिया है मैंने, तो यहां ओपन नहीं किया इसको, तो इसको ओपन कर लेता हूं, ठीक है. अब यहां पे दिस वीडियो, यहां पे मार्क्यू क्लोज कर दीजिए, MARQUEE, ठीक है. तो ये क्लोज करने के बाद क्या करना है आपको, इसको क्लोज करने के बाद आपको यहां पे फॉन्ट टैग को भी क्लोज करना है, ठीक है. फॉन्ट को भी यहां से क्लोज कर दीजिए आप. ये हो गया फॉन्ट टैग क्लोज, ठीक है. और अब हमें क्या करना है, देखिए इसके बाद हमें लिखना है यहां पे पैराग्राफ स्टाइल लगाएंगे, ठीक है. पैराग्राफ स्टाइल टैग लगाएंगे और ये जो हमने मार्क्यू क्लोज किया है इसको हम क्लोज नहीं करते हैं, ठीक है. इसको हम ओपन ही रहने देते हैं, ठीक है. तो इसको ओपन ही रहने देते हैं और यहां पर जो है नीचे आएंगे तो यहां पर अब हम लगाएंगे पैराग्राफ स्टाइल, ठीक है, इज इक्वल टू कलर COLOR, ठीक है, व्हाइट, ठीक है. इसको क्लोज करिए. अब क्या करना है, मार्क्यू लगाइए, MA, चूंकि हमको मूव कराना है तो मार्क्यू लगाना ही पड़ेगा, मार्क्यू. और मार्क्यू के बाद इसको हम नॉर्मली ऐसे छोड़ देते हैं और नॉर्मली जो है लेफ्ट से राइट की तरफ ये मूव करेगा, ठीक है. और मैं यहां लिखता हूं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है. इसको यहां से अब क्या करना है, क्लोज करना है तो इसको क्लोज कर दीजिए यहां से, MARQUEE, ठीक है.
और क्लोज करने के बाद हमें क्या करना है, पैराग्राफ को भी क्लोज कर देना है। तो यहाँ से क्लोज कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है, इसी को कॉपी करना है। तो इसको पकड़िए यहाँ से यहाँ तक और इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ से कॉपी किया हमने, ठीक है, और यहाँ पे कर दीजिए आप पेस्ट। जितना चाहते हैं उतना पेस्ट कर दीजिए, जैसे मैंने इतनी बार पेस्ट कर दिया। और यहाँ कलर हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें और भी हम कुछ एनिमेशन देंगे, कुछ और भी इसमें हम चेंजिंग करेंगे। जैसे यहाँ पर जो है हमने कौन सा कलर लिया है बैकग्राउंड का, और यहाँ वाइट किया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कलर का जो यहाँ पे कलर जो हमने लगाया है वो कर देंगे हम ब्लैक। बाई डिफॉल्ट ब्लैक ही होता है, ब्लू कर देते हैं यहाँ पे, BLUE ब्लू कर दिया हमने, ठीक है। और ब्लू इसको करने के बाद हमें क्या करना है, इस कलर को हमने कर दिया है ब्लू, और अब जो है हमें ये मार्क्यू जो लगाया है, और फिर यहाँ पे देखिए ये सारे। अब यहाँ पे इसको हम पहले एक काम करते हैं, बॉडी टैग को क्लोज कर लेते हैं और देन HTML को भी क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। एक बार इसको रन करते हैं और देखते हैं कैसा हमारा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ कुछ .html लगाना जरूरी है, एक्सटेंशन है, इसके बिना प्रोग्राम चलेगा नहीं। इसको रन करवाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से रन कर रहा है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि इसमें और भी कोई तब्दीली आए, और भी चेंजिंग आए, तो इसमें हम और भी जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर आकर यहीं पर ये गायब हो जा रहा है, आप देख सकते हैं, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अब इसमें थोड़ी और हमें चेंजिंग करनी है, तो चेंजिंग कैसे करनी है आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने फॉन्ट टैग को क्लोज किया है, ठीक है। इसके पहले जो हमने फाइल ओपन करी थी वो क्या थी, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार और ओपन करके। ये देखिए ये जो हमारी फाइल थी वो ये थी, देख सकते हैं आप इसको, इस तरह से हमें लिखा हुआ आना चाहिए। तो कैसे आएगी ये, इसकी इसका मैं आपको कोड दिखाता हूँ, देखिए यहाँ से, ये देखिए ये कोड है इसका, ठीक है। फॉन्ट की साइज को भी हमें बढ़ाना होगा, ठीक है, तो फॉन्ट की साइज को भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको बढ़ाते हैं और यहाँ से इसको हटा करके, और यहाँ पे इसको मार्क्यू लगाया हमने और यहाँ मार्क्यू क्लोज किया। अब फॉन्ट की साइज़ बढ़ानी है अब हमें, तो फॉन्ट की साइज़ यहाँ बढ़ाई गई है, आप देख सकते हैं। और ये तो पुराना वाला हमारा प्रोग्राम है, इसको रन करते हैं, देखिए ये इस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। और इसी तरह का प्रोग्राम हमें भी बनाना है, तो ये यहाँ पर हमारा प्रोग्राम है, ठीक है। सबसे पहले तो ये मार्क्यू हटा दीजिए आप, ठीक है, और ये भी मार्क्यू हटा दीजिए, यहाँ से भी मार्क्यू हटाइए और यहाँ से भी हटा दीजिए, यहाँ से भी हटाइए और इसके बाद ये भी हटा दीजिए। मार्क्यू जहाँ जहाँ नीचे लगाया गया है उसको हटा देना है आपको, हटा दिया हमने, ये हो गया हमारा काम, बहुत ही आसान, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर साइज को मेंशन करना है कि हम साइज कितनी कितनी देना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए साइज को मेंशन कर लेते हैं और यहाँ पर हम तीसरे वाले में आते हैं, तीसरे वाली लाइन में, और पैराग्राफ स्टाइल इज इक्वल टू फॉन्ट कर देते हैं हम, फॉन्ट FONT, और फॉन्ट के बाद हमको यहाँ लिखना है साइज, ठीक है। यहाँ पे क्या देंगे, साइज देंगे, SIZE साइज। तो जो भी हमको साइज देनी है वो यहाँ पे दे देंगे। तो क्या साइज हम देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे देता हूँ 80, ठीक है, तो फॉन्ट साइज हमने दे दिया 80। यहाँ पे लगाएंगे कोलन और ये कोलन हटा करके यहाँ हम हाइफन लगा देंगे, और यहाँ पर जो है यहाँ पर भी वही काम करना है हमें, कलर दिया हुआ है तो यहाँ फॉन्ट साइज लगाएंगे, फॉन्ट साइज, ठीक है।
और जो भी साइज देना चाहते हैं, जैसे 100 दे दिया हमने, और यहाँ पे क्या देना चाहते हैं, फॉन्ट साइज SIZE, जो भी साइज हमारा होगा यहाँ पे 120 कर देते हैं, ठीक है। और अब इसको सेव करते हैं। अब देखिए इसमें हमें हमने सारी चीज़ें तो लगा दी हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ और देखना है कि यहाँ से हमने मार्क्यू शुरू किया है, यहाँ जो फॉन्ट को क्लोज किया है ना, उसके पहले मार्क्यू शुरू किया है और फिर एक बार और यहाँ पे मार्क्यू लगाया है और फिर यहाँ बंद किया है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है, आइए देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक एक करके अक्षर आ रहे हैं इसमें, आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। और बिल्कुल उसी तरह का ये प्रोग्राम बना हुआ है जिस तरह का आपने वहाँ पे देखा था इसके पहले वाले प्रोग्राम में मेरे। और यहाँ पे आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे तो हमने कलर सेम दे दिया है, ग्रीन कलर दे दिया है, ठीक है। ये कलर जो है ग्रीन आ रहा है, जो भी हमने लिखा है उसका कलर क्या आ रहा है, ग्रीन आ रहा है। तो ग्रीन के बजाय कोई और कलर चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इसको ऐसे ही रखिए आप। और इसके बाद यहाँ पर जो है, अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। आइए देखते हैं कि यहाँ पे कुछ चेंजिंग करते हैं तो क्या आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मार्क्यू को हमने यहाँ पे क्लोज किया है, ठीक है, और कलर पैराग्राफ स्टाइल कलर इज इक्वल टू वाइट लिया है, तो अगर हम इसको जब रन करवा रहे हैं तो कौन सा कलर आ रहा है, देखिए ये देख सकते हैं आप, ये चारों एक साथ रन हो रहे हैं, ठीक है। और लेकिन ये कलर जो है ग्रीन बना हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4, और ये ऊपर वाला वाइट कलर तो आ ही रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 यहाँ तक का ये चल रहा है। हम इसमें एक तब्दीली और ला सकते हैं, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कलर हटा करके, ठीक है, और यहाँ पर फिर यहाँ पे फॉन्ट साइज दे दें, फॉन्ट साइज, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक तब्दीली कर सकते हैं, यहाँ पर भी हमारा वो एनिमेशन चालू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे दे दीजिए साइज 100, अब यहाँ पे 80 है तो यहाँ पे हम दे देते हैं 50, ठीक है, मैंने 50 कर दिया या 60-75 कर देते हैं, ठीक है। अब इसको सेव करता हूँ और अब देखते हैं कि क्या इफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे इसको रन करवाते हैं तो ये देखिए इस पे भी चालू हो गए वही एनिमेशन जो कि चल रहा था। आप देख सकते हैं इसको एक एक करके अक्षर लिखे हुए आ रहे हैं, और ये ऊपर वाला तो प्रोग्राम चल ही रहा है हमारा। तो अगर अभी कितने प्रोग्राम चल रहे हैं हमारे, देखिए इसमें कितना रन हो रहा है कुल मिलाकर, ये ऊपर वाला एक यहां से जा रहा है, देखिए 1 2 3 ये है, और ये एक ऊपर, चार प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं, यानी 1 2 3 4, यहाँ तक का लिखा हुआ चल रहा है 1 2 3 और ये 4। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो मार्क्यू यहाँ क्लोज किया है ना, इसको अगर हम हटाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। इसको हटा दीजिए यहाँ से, इसको हम कट कर देते हैं यहाँ से, या इसको हटा देते हैं ऐसे, और हटाने के बाद इसको लगा देते हैं यहाँ पे MARQUEE, ठीक है, इसको यहाँ पे लगा दिया। इसको सेव करते हैं, देखते हैं अब हमारे प्रोग्राम पे क्या इफेक्ट आता है। तो देखिए ये थोड़ा नीचे हो गया है, और आप देख सकते हैं नीचे के दो जो हैं वो चल रहे हैं और बाकी सब नहीं चल रहा है। ये इस प्रकार से हो रहा है, देखिए जहाँ व्हाइट कलर लगाया गया है वो प्रोग्राम ऊपर की तरफ रन हो रहा है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो समझ में आई होगी आपको। और ये देखिए जैसे ये यहाँ पे गायब होता जा रहा है, वो इधर का साइड का जो है ये गायब होता जा रहा है। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि ये प्रोग्राम किस प्रकार से चल रहा है, रन कैसे कर रहा है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ कुछ कमेंट भी करें ताकि मुझे ये पता लगे कि ये वीडियो कैसी बनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।